فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا ما أشاء الله وكل أتوه داخرين ونفق في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا ما شاء الله ثم نفق فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاكرين والشاكرين الحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم الحمد لله ثم الحمد لله रमज़ान के बाद ये मेरा पहला जुमा है। अल्लाह ताला ने अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान के फौरी बाद मस्जिद अक्सा बैतुल मुकद्दस जाने की तौफीक अता फरमाई। अल्लाह से दुआ है कि हमारे इस जाने को अल्लाह ताला कबूल फरमाए। अक्सर लोग वहाँ के हालात, वहाँ की कारगुजारी सुनना चाहते हैं, वहां की कारगुजारी क्या है, वहां के हालात क्या है। कारगुजारी सुनाने से पहले पहले एक इश्काल और उसका जवाब आप हजरात के सामने पेश करना चाहता हूं। लोगों के जहनों में एक सवाल उठता है और जबान ज़द आम है, मशहूर है एक बात। क्या बात मशहूर है जी? हशर के मकाम से मुतालिक लोगों के जहनों में एक बात बैठी हुई है कि हशर का जो मकाम है वो यौम अरफात का मैदान है। यौम अरफा का दिन का जो एक मंजर होता है, वो जो अरफात का जो मैदान है वो हशर का मैदान है कि नहीं? अक्सर लोग यही कहते हैं ना, अक्सर लोग यही समझते हैं कि जो अरफात का मैदान है, इतने सारे लोग जमा होते हैं, 30-35 लाख लोग इंसान, वही हशर का मैदान है। मशहूर बात तो यही है, मारूफ बात तो यही है कि लोग ये समझते हैं। लोगों के समझने से क्या है भाई, लोग तो कुछ भी समझ लें, बहुत कुछ समझते हैं लोग, लेकिन हमने देखना है कुरान और हदीस को कि अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बाबत क्या इरशाद फरमाया है कि आया अरफात का मैदान ही यौम महशर है, अरफात का मैदान ही मैदान महशर है या कोई और है। तो इस बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में आता है, रिवायत में आता है, आप हजरात ने अक्सर सुनी होगी कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला मुझे अपनी कब्र से जिंदा फरमाएंगे, यानी वो जिंदा है अपनी कब्र में, सबसे पहले मैं अपनी कब्र से उठूंगा। उठने का लफ्ज आता है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में मुसलमानों का अकीदा है, अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी कब्र में हयात है, जिंदा है। तो रिवायत में आता है कि सबसे पहले हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि सबसे पहले मैं उठूंगा अपनी कब्र से और उसके बाद मेरे दाएं तरफ ईसा होंगे, हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम होंगे, यानी वो अपनी कब्र से उठेंगे, और उसके बाद फरमाए कि दाएं और बाएं मेरे दो वजीर हजरत अबू बकर और हजरत उमर होंगे, यानी वो हजरत उमर उठेंगे, हजरत अबू बकर उठेंगे, फिर हजरत उमर उठेंगे। ये कयामत का मंजर है जो मैंने आप हजरात के सामने अर्ज किया है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि सबसे पहले मैं उठूंगा अपनी कब्र से, फिर हजरत ईसा उठेंगे, फिर अबू बकर उठेंगे, फिर हजरत उमर उठेंगे, और फिर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि मैं फिर लेके कहां चलूंगा इनको, बकीये गरकत लेके जाऊंगा। बकीये गरकत यानी जिसे आप लोग कहते हैं जन्नतुल बकी, लेकिन असल नाम हदीस के अंदर बकीये गरकत है। बकीये गरकत जो असल नाम क्या है, बकीये गरकत, जन्नतुल बकी को क्या बोलते हैं, बकीये गरकत, हदीस में जो नाम आता है बकीये गरकत। अब इसकी तफसील में नहीं जाता,
हुजूर अली सलातो व सलाम इरशाद फरमाते हैं कि मैं बकीय गरकत जाऊंगा, बकीय गरकत वाले उठेंगे। अब अंदाजा करें कितनी खुशनसीबी की बात है कि बकीय गरकत में अगर किसी को जगह मिल जाए, गुनाहगार से गुनाहगार इंसान, खताकार से खताकार इंसान। हुजूर अली सलातो व सलाम इरशाद फरमाते हैं कि अगर तुम में से अगर कोई शख्स इस्तेदाद रखता हो तो बकीय गरकत में, अगर तुम में से कोई शख्स इस्तेदाद रखता हो तो मदीने में मरे, अगर तुम में से कोई शख्स इस्तेदाद रखता हो, ताकत रखता हो तो क्या मदीना में मरे। अब मदीने में मरने से क्या मुराद है? मैंने जमाल भाई से कहा कि अब तो आप रिटायर्ड है, अगर उम्र हो चुकी है, आप कोशिश करें मदीने में चले जाए। दो तीन हमारे कितने उलमा ख्वाहिश करते हैं, वहां घर लेते हैं, तीन चार महीने, पांच महीने, छह महीने। भाई अल्लाह वालों की ख्वाहिश होती है। मैंने जमाल भाई से कहा घर ले ले, हम भी चले, हम भी आपके पास रहेंगे वहाँ। अल्लाह ताला सबको तौफीक अता फरमाए। मैंने देखा वहाँ कितने उलमा ने अभी जाके तीन चार पांच छह महीने के लिए घर ले लिया और वहां रहते। अब ये मतलब ये नहीं है कि आदमी जो है वहां जाए और अपने आप को मार दे, इसका मतलब यह नहीं है हदीस में कि खुदकुशी करे और अपने आप को गोली मार दे, ये मतलब नहीं है। जब कोई ऐसी हालत पेश आए, कोई ऐसी बीमारी पेश आए, या कोई इंसान आता जाता रहे और ख्वाहिश करे और इस्तेदाद हो, ताकत है, अल्लाह ताला ने तौफीक अता फरमाई बरतानिया के मुसलमानों को, बार बार जाए और इस हालत के अंदर अल्लाह ताला रूह कब्ज कर ले और मदीने में मर जाए। हमारे एक साथी पाकिस्तान के, हमारे साथ हिफ्स के साथी, उनका एक वाक्य इसके जमीन में अर्ज करूंगा। वो उनके जो बहनोई हैं वो काफी बीमार थे, काफी अलील थे, बीमार थे। उनकी ख्वाहिश थी कि मैं मदीने में मरूं। अब रमजान मुबारक का महीना या रमजान से पहले का महीना, शाबान का महीना मुझे याद नहीं है। अब वो बीमार और डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया उनको, क्या दे दिया? डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया कैंसर का मर्ज। अब मुझे बताएं, डॉक्टर ने जवाब दे दिया। उनकी ख्वाहिश थी कि मैं मदीने में मरूं। मैं बता रहा हूं आपके सामने कि किस तरह की सूरत बनती है, किस तरह की सूरत बनाई जाती है, किस तरह की ख्वाहिश और किस तरह की तमन्नाएं होती है लोगों की। अब वो उन्होंने कहा कि मुझे ले जाओ मदीने, उमरा कराओ। उमरा किया, मदीने आ गए। अब वक्त पूरा हुआ, इंतकाल हो गया। मुख्तसर यह है कि वक्त पूरा हुआ, इंतकाल हो गया। अब दफनाने की बारी आई। जन्नतुल बकी की, बकी गरकत की जो सूरत हाल है इस वक्त वो भर चुका है। अब जो जायरीन होते हैं, बाहर से आने वाले लोग होते हैं, उम्रा और हज पर आने वाले लोग होते हैं, उनको वहां दफनाने की अब फिलहाल अभी इजाजत नहीं है। वो बाहर के कब्रिस्तान में ले जाती है। अब उसकी तौसी का काम जारी है। ये जो बकी गरकत है, अभी जो सूरत हाल आप देखें तो जरा देखें, आप जब जाए तो आप देखें ये बकीय गरकत के साथ दूसरा बकीय गरकत बनाया जा रहा है, उसकी तौसी का काम हो रहा है। जब उसकी तौसी का काम मुकम्मल हो जाएगा तो फिर वहां जगह मिलेगी। लेकिन अल्लाह की शान उसकी ख्वाहिश थी कि मैं कहां मरूं? मदीने में मरूं। और मेरा मदफन कहां बने? बकीय गरकत बने। वो तो चले गए दुनिया से, उनको क्या मालूम कि क्या होगा। लेकिन ये साथी जो हमारा नौजवान साथी है, हमारा जो बचपन का दोस्त है इसका, उसने कोशिश की और मैंने उस ताजिर का जो सऊदीया में, जो ताजिर सऊदीया के सबसे बड़े ताजिर का जो जिक्र किया था, यूसुफ अल उतैरी, उनके सामने ये दरखास्त लेकर गए बेचारे। वो जानते भी नहीं थे, उनको कैसे मालूम हुआ कि वो परेशान फिर रहे, कभी किसके पास जा रहे, कभी किसके पास जा रहे, कभी किसके पास जा रहे। ये हैरान कौन बात है, कभी किसके पास जा रहे, कभी किसके पास, अब क्या करे। ख्वाहिश तो उनकी थी कि भाई तुम जन्नतुल बकी में उनको दफनाया जाए, लेकिन जगह नहीं मिल रही, इजाजत नहीं मिल रही, क्या करे। तो टैक्सी में जा रहे थे किसी जगह, किसी टैक्सी वाले, पाकिस्तानी टैक्सी वाले ने कहा कि भाई यहाँ एक ऐसी शख्सियत है कि जिसकी अल्हम्दुलिल्लाह हर कोई बात सुनता है, आप उनके सामने फला वक्त के अंदर, असर के बाद या फजर के बाद पहुंच जाए, उनके सामने दरखास्त रखें। अब अनजान आदमी जाए इतनी बड़ी शख्सियत के पास, अब अंदाजा करें कि उसके रहम व करम की बात देखें और उसकी शफकत का आलम देखें कि उन्होंने पूरी मुकम्मल बात सुनी नमाज के बाद। उनका ठीक है, मैं लिख के देता हूँ। और मुख्तसर यह है कि लिख कर दिया और अल्हम्दुलिल्लाह उनकी खबर कहाँ बनी? अल्लाह अकबर। उनका मुकद्दर था, उनकी ख्वाहिश थी, उनकी चाहत थी, दिल की बात है। अब मुझे बताएं कि कितने गुनाहगार हुजूर अलैहिस्सलाम साहब ने, साहबा भी हैरान कि बकीय गरकत वालों के पास आएंगे, इंतजार करेंगे,
इनका इंतजार करेंगे, बकीय हरकत वालों का इंतजार करेंगे, फिर आगे की तरफ जाएंगे। बकीय हरकत वालों का इंतजार करेंगे और फिर हुजूर ने फरमाया कि बकीय हरकत वाले उठेंगे फिर, और फिर क्या करेंगे, मक्का वालों का इंतजार करेंगे, फिर जन्नतुल माला वाले जो मक्का वाले उनका इंतजार किया जाएगा। अब सहाबा ने एक बात जो पूछी, हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मक्का वाले दाएं तरफ होंगे और मदीने वाले कहां होंगे, बाएं तरफ होंगे। ये भी हैरान कन बात है कि मदीने वालों को दाएं होना चाहिए था और मक्का वालों को कहां होना चाहिए था, बाएं होना चाहिए था। पहले तो ये उठे और फिर मदीने में जहां हुजूर सरकार रहते। तो सहाबा ने पूछा ऐसा क्यों होगा, फरमाया कि मेहमान जो होते हैं वो हमेशा दाएं तरफ होते हैं। देखिए आदाब सिखाए, मेहमान मदीने वाले तो मेरे ही अपने ही हैं, जवार में हैं, पड़ोसी हैं, इनको बाएं में रखिए, कोई हर्ज की बात नहीं है। अंदाजा करें कितने गुनाहगार, कितने खताकार, कितने सियाहकार मदीने के अंदर मदफन है, बकीय हरकत के अंदर मदफन है। और फिर हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, क्या फरमाते हैं कि फिर मैं कहां चलूंगा, हम जाएंगे शाम की तरफ जाएंगे, शाम की तरफ जाएंगे। अरफात का जिक्र नहीं आया। अब कितने लोग अंदाजा करें, मैंने जैसे अर्ज किया, बार बार अर्ज कर रहा हूं, गुनाहगार खता से खताकार, सियाहकार से सियाहकार, जो हुजूर के साथ हो जाए, जो हुजूर के साथ हो लिए, जो हुजूर के साथ शाम का सफर करे, जो हुजूर के साथ हिसाब और किताब का सफर करे, जो हुजूर के साथ क्या करे, हशर और नशर का सफर करे, तो क्या वो अल्लाह ताला उस पर रहम और करम वाला, फजल वाला मामला उसको जन्नत अता नहीं फरमाएंगे? हिसाब और किताब के बगैर और हुजूर की शिफात उसको नसीब नहीं होगी, होगी कि नहीं? बात क्लियर हो गई कि नहीं? सफर कहाँ का होगा? शाम का सफर होगा, ना कि अरफात का। लेकिन अरफात का मंजर वो जो मंजर आप हजरात जो देखते हैं, जो लाखों लोग मौजूद होते हैं, जो जजा और सजा का मंजर होता है, जो खताओं के समंदर, जो खताओं के जो समंदर होते हैं, उसके माफी का जो अल्लाह तबारक व तआला की जो शफकत का जो मंजर होता है, जो मगफरत का जो मंजर होता है, वो मंजर अरफात में याद दिलाया जाता है। जो हशर का जो मंजर होता है, जो जजा और सजा का जो मंजर होता है, अरफात के मैदान में मुसलमानों को वो याद दहानी कराई जाती है कि इस तरह का मंजर होगा और इस तरह की गर्मी होगी, इस तरह के लाखों इंसान होंगे और इस तरह के लोग होंगे जो खताओं में डूबे होंगे, सियाहकारियों में डूबे होंगे, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की रहमत होगी और उसको माफ कर देंगे। लेकिन नतीजा क्या निकला, क्या निकला भाई, क्या निकला कि अरफात का मैदान नहीं है, महशर का जो मैदान है वो कौन सा मैदान है, शाम का मैदान है, शाम को जाना है। अब नहीं जा रहे तो फिर तो जाना ही जाना है। अब जो नहीं जा रहे, मैं ये कहता हूं कि पहले चले चलो भाई मस्जिद अक्सा, मस्जिद अक्सा पहले चले चलो कि वही मीजान होगा, वही हिसाब किताब का मंजर होगा, वही पुले सिरात होगा, वही कयामत का हिसाब किताब होगा और हुजूर वही उम्मत को ले जा रहे होंगे। इससे पहले के ले जाएं, आप जाके देख तो लें कि मंजर कौन सा है, ताकि आपने देखा हुआ हो ना, आपने देख लिया, इन्होंने देख लिया, इन्होंने देख लिया, बाकी ज्यादातर लोगों ने तो नहीं देखा। पुले सिरात का मंजर भी वहां, हुजूर की आमद का मंजर भी वहां, अंबिया की आमद का मंजर भी वहां, अंबिया के मस्कन का मंजर भी वहां, सारे नबियों का जमा होना वहां, वो जगह वो मकाम ऐसे हैं कि जो बगैर अदब के फरिश्ते गुजरते ही नहीं, हजारों लाखों फरिश्ते जो अल्लाह के हैं, हर फरिश्ता अदब के साथ गुजरता है, अदब का मंजर वहां, सूर फूकने का मंजर वहां, और पुले सिरात का मंजर वहां, हिसाब किताब का मंजर वहां, हशर और महशर का मंजर वहां। हुजूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि अर्जुल महशर वल मंशर, हुजूर ने क्या फरमाया, अर्जुल महशर वल मंशर, ये वो मकाम बैतुल मुकद्दस है जो महशर की जगह है, मंशर की जगह है, वहां सूर फूकने का मकाम है, वहीं से सूर फूका जाएगा, वहीं से उठेंगे, वहीं से आगे की तरफ जाएंगे। ये जो कुरान करीम की आयत मैंने आवाज़ के सामने जो पेश की है, फसाइक अमन फिस समावात, फसाइक, दो सूर फूके जाएंगे, कितने, दो। पहले सूर को कहते हैं
साइका कहते हैं, नफका साइका, ये सारी दुनिया के इंसान मर जाएंगे, कोई नहीं बचेगा, सारी मखलूक इस सूर की आवाज से सारे डर और खौफ कि इस मंजर को देखकर सारे हलाक हो जाएंगे, सारी इस दुनिया से फना हो जाएंगे। और दूसरे नफका बहसत कहा जाता है, नफका बहसत सूर फूकेंगे। हुजूर अली सलातो वसलाम कहते हैं कि दूसरे सूर का वक्त आएगा तो सारे उठ जाएंगे, सारे जिंदा हो जाएंगे। अब जिंदा होने का मंजर क्या है, रिवायत में क्या आता है कि एक बारिश बरसेगी आसमान से, सब खत्म हो जाएंगे, किसी की हड्डी भी नहीं होगी, क्या होगा, इंसान निकला कहां से है, इन पौधों से निकला है, कहां से निकला है, इन खातों से निकला है, इस सरसब्ज शादाबियों से निकला है। इसी तरीके से जब बारिश बरसेगी ये सरसब्ज शादाबी उगेगी और फिर उसके बाद इसी तरीके से इंसान का वजूद अल्लाह तबारक व ताला जाहिर फरमाएंगे। मोहम्मद इमरान भी होगा, शहजाद भी होगा, यही हाजी साहब और जमाल और हमारे क्या नाम है अबुल कलाम साहब भी होंगे, अब्दुल रहीम साहब और इब्राहिम साहब भी मौजूद होंगे और नदीम साहब भी मौजूद होंगे। और इंशाल्लाह नजीर यही मंजर जो आप देख रहे हैं यही मंजर वहां कायम होगा। पहला सूर फूका जाएगा, सूर कहां फूका जाएगा, वो मकाम वही बैतुल मुकद्दस के अंदर मौजूद है। पहला सूर भी हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम वो इंतजार में बैठे हुए हैं, अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह का हुक्म का इंतजार कर रहे हैं। पहला सूर भी वहां फूका जाएगा, दूसरा सूर भी वहीं फूका जाएगा, सारी दुनिया हला। अब ये मंजर क्या है, कुरान करीम वइज़ल अर्ज़ मुद्दत, इस जमीन को फैला दिया जाएगा। अब लोग कहते हैं ये क्या मसला है, जो जमीन को वसत दे दी जाएगी, इतना सारा मंजर जैसे एक तख्त लगा हो, एक स्टेज लगा हो, आप ये कहते हैं कैसे नजर आएंगे, हिसाब किताब का मंजर कैसे होगा। स्टेज पर जो होता है मंजर, आप लाखों करोड़ों इंसान जो होते हैं स्टेज पर जब होते हैं, स्टेज भी ऊंचा होगा, अल्लाह ताला का तख्त होगा, वो भी आप ये सोच सकते हैं कि किस तरह होगा, मुमकिन ही नहीं है कि अल्लाह ताला उस मंजर पर मौजूद हो और हिसाब किताब का मंजर हो और इंसान देख न सके। मीजान कायम होगा वहीं। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या इरशाद फरमाया कि वो शाम की तरफ जाए। अल्लाह तबारक व ताला हमें बैतुल मुकद्दस की मस्जिद अक्सा की हमें कदर करने की तौफीक अता फरमाए और जो वहां के जो हालात हैं अल्लाह तबारक व ताला उन हालात से हमें सबक लेने की तौफीक अता फरमाए। लोग कहते हैं कि भाई हम क्यों जाएं वहां पर, भाई इतना तो हिस्सा डालो जो जा सकते हैं, इतना तो हिस्सा डालो कि वहां पहुंच के नमाज अदा करो। मैंने बताया था, अर्ज किया था कि वो मकाम ऐसा है कि जो शख्स 1000 रकाते अदा करेगा उस मकाम पर अल्लाह तबारक बताया दुनिया के अंदर उसको जन्नत दिखा दे। 1000 रकात अदा करना, वहां रहना पड़ता है उसके लिए और बार बार जाना पड़ता है, जो जाएगा तो अल्लाह ताला उसको दिखा देगा, अल्लाह ताला तौफीक अता फरमा देगा। इस मकाम पर आप ये देखें कि अल्लाह तबारक वताले ने 1000 रकातों का जिक्र किया, जन्नत दिखाने का जिक्र किया। मैं ये कहता हूं कि कुरान करीम की जो आयत अल्लाह तबारक वताले ने जो इरशाद फरमाई है, सुभान अल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा अल्लज़ी बारकना हौलहु, अक्सा का जिक्र आया, बारकना का जिक्र आया। अगर कोई बैतुल मुकद्दस की फजीलत को बयान न करे, जिक्र न करे, तो यही आयत उस बैतुल मुकद्दस की फजीलत के लिए काफी है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मेराज की रात पर हुजूर को बुलाना, हुजूर को दावत देना और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वहां पहुंचना, यही पहुंचना ही फजीलत के लिए काफी है, बाकी फजीलतें बयान न की जाए। हुजूर का पहुंचना, हुजूर को मक्का से सैर करा के बैतुल मुकद्दस के अहाते में अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को जमा करना, यही फजीलत काफी है मेरे नजदीक। अगर कोई फजीलत ना हो, हुजूर का पहुंच जाना, अंबिया की इमामत करना और फिर अंबिया की इमामत के बाद इमामुल अंबिया का लखब पाना और इमामुल अंबिया के लखब से आगे खातिमुल अंबिया का लखब पाना,
ये सारी फजीलत एक तरफ, खातम अम्बिया की जो फजीलत है ये एक तरफ, सुभान अल्लाह। इससे ज्यादा मैं आप हजरात के सामने क्या बयान करूँ उस इलाके की, उस खत्ते की। यही कारगुजारी है, यही बातें हैं, यही फजीलतें हैं, ये चाहते हैं। और हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि एक वक्त आएगा कि वो खत्ता दुनिया व माफिया से बेहतर होगा, और उस वक्त इंसान चाहेंगे एक लगाम के बराबर भी उसको जगह मिल जाए तो वो लगाम के बराबर, वो उसके लिए लगाम जो घोड़े की लगाम, उसके बराबर दुनिया माफिया को लुटाने के लिए तैयार हो जाएगा, उस जगह को पहुंचने के लिए तैयार हो जाएगा। और कुर्ब कयामत हुजूर, आज लोग पूछते हैं कि भाई आप मस्जिद अक्सा को प्रमोट क्यों करते हैं, बैतुल मुकद्दस को प्रमोट क्यों करते हैं, फलस्तीन को प्रमोट क्यों करते हैं। भाई हुजूर की हदीस है, कुर्ब कयामत है, हुजूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि कुर्ब कयामत बैतुल मुकद्दस मस्जिद अक्सा आबाद होगा, उसकी वीरानी खत्म हो जाएगी। ये मुसलमानों के मुस्तकबिल और मुसलमानों के रोशन मुस्तकबिल की एक बहुत बड़ी निशानी है, और ये अलामत है, और कुर्ब कयामत की अलामत है। हुजूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, हुजूर अलैहिस्सलाम की एक हदीस में आता है कि कुर्ब कयामत की अलामतों में से दो छह अलामतों को याद करो। पहली अलामत फरमाई कि मेरा दुनिया से जाना, यानी मेरी वफात, और दूसरी अलामत फरमाई कि बैतुल मुकद्दस का फतह होना। बैतुल मुकद्दस का फतह होना यह हुजूर अलैहिस्सलाम ने कयामत की निशानियों में से एक निशानी बताई। और फिर हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला ने, हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला ने इस बैतुल मुकद्दस को 15 हिजरी के अंदर, कब 15, हुजूर अलैहिस्सलाम के जाने के 5, हाँ 15 हिजरी के बाद हुजूर अलैहिस्सलाम ने बैतुल मुकद्दस को फतह किया। और फतह का मंजर इंशाल्लाह मैं अर्ज करूंगा। अब उस फतह के मंजर में एक ऐसी जगह मौजूद है जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे अजान देने की तौफीक अता फरमाई, सुभान अल्लाह। इस बात, और वो भी अंदाजा करें कि अजीब इत्तेफाक हुआ अल्लाह ताला, ज़हे नसीब मुबारक। यानी एक दफा मैं उस मकाम पर सुबह के वक्त जा चुका था, दूसरी बार जाने का इत्तेफाक नहीं था, ना दूसरी बार जाने का यकीन था मुझे, ना कोई इरादा था। लेकिन चूंकि कुछ और दोस्त हमारे आए थे, मौलाना अफ्फाज साहब जो अमरीका से, उन्होंने कहा कि उस जगह पे मैं गया नहीं हूँ, मुझे दोबारा ले जाए। उन्हीं मकामात पर हालांकि मैं थक हार कर बिल्कुल निढाल हो चुका था, मेरी हिम्मत नहीं थी, लेकिन मैंने कहा कि बैतुल मुकद्दस का जब अल्लाह तबारक व तआला ने जाहिर बनाया, मुझे सफीर बनाया, तो मैं क्यों ना ले जाऊं, चलो थक थक और मजीद थकते हैं। माशाल्लाह, अल्लाह ताला ने फिर तो भी वही मंजर पर दोबारा मैं उनको लेकर गया, और उसी मस्जिद में जो मस्जिद उमर खताब रजी अल्लाह, दुनिया की पहली मस्जिद, पहला वो मकाम मक्का मदीना के बाद हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला ने वहां नमाज अदा फरमाई। अब वो नमाज का मंजर क्या था वो भी मैं बता देता हूँ आपके सामने, मुख्तसर करता हूँ। जब हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला जब फाते बनकर कहाँ तशरीफ लाए, बैतुल मुकद्दस तशरीफ लाए, मस्जिद अक्सा तशरीफ लाए, वहां का उस वक्त का जो दुनिया भर का जो एरिया था, जिसे बहुत बड़ा पादरी कहते हैं, बहुत बड़ा पादरी, और वो पादरी किस, यानी उस जमाने के चर्च का, कलीसा का जो सबसे बड़ा पादरी, और वो जो कलीसा दुनिया की सबसे मुकद्दस तरीन तमाम ईसाइयों के नजदीक उसका पादरी, वो कलीसा, उसका मकाम, उसका मर्तबा इन लोगों के नजदीक, मसीहीन के नजदीक, वो कलीसा का मकाम ऐसा मकाम है कि जिस तरीके से हम मक्का मदीना जाते हैं, हज पर जाते हैं, इनके नजदीक हज का मकाम वही है जो कलीसा बैतुल मुकद्दस के अंदर, उसके जवार, उसके पड़ोस के अंदर मौजूद है। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला को इलिया ने, उस जमाने का जो इलिया और पादरी था, बुलाया कि आप तशरीफ लाइए, आपको दावत देते हैं कि आप कलीसा में आए, हम आपको दावत देते हैं, आप यहाँ विजिट करें, दौरा करें। तो हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला ने उस दावत को क्या की, कबूल की, तशरीफ लाए, देखा, विजिट किया, बातचीत हुई, और वो जो कलीसा का जो मंजर है वो मैं आपके सामने इंशाल्लाह अगले हफ्ते और अर्ज करूंगा।
कि उस कलीसा की जो चाबी है आज तक मुसलमानों के पास चली आ रही है, उसको खोलने का जो जिम्मेदारी और बंद करने की जिम्मेदारी मुसलमानों के पास है वो भी मैं अर्ज करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं अर्ज करता हूँ कि हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला तशरीफ लाए, नमाज का वक्त था, असर का वक्त था, तो उन्होंने कहा कि भाई मैं नमाज पढ़ना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि नमाज पढ़े, उस वक्त के एरिया ने कहा कि आप नमाज पढ़े, यहाँ पढ़ने यहाँ इजाजत है आपको। तो हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, हम होते तो क्या होते, वहीं मुसल्ला बिछाते और क्या करते, नमाज शुरू कर देते, चलो जी आज आजादी है, चलो यहाँ नमाज पढ़े। उनके उस चर्च का, उस कलीसे के आदाब का ख्याल रखा और आगे के मंजर को सामने रखा कि ऐसा ना हो। उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा ना हो कि कल मुसलमान ये दावा करें कि हमारे खलीफा सानी हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला ने नमाज अदा की थी, ये चर्च, ये कलीसा, इसका हक मुसलमानों के पास है, लिहाजा मैं ऐसी गलती नहीं कर सकता, मैं ऐसी जगह नमाज नहीं पढ़ सकता, मैं नमाज ऐसी जगह पढ़ूंगा जो चर्च से, ये कलीसा से बाहर है। तो तारीखी रिवायत से पता चलता है, किताबों में लिखा है कि उन्होंने एक पत्थर, छोटा सा पत्थर, स्टोन उठाया और उठाकर यूं फेंका। रिवायतों में लिखा है कि जिस मकाम पर वो स्टोन, वो पत्थर गिरा, हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ने वही नमाज अदा फरमाई। उस मकाम पर सहाबा इकराम रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमईन ने मेहराब बना दी। वो मकाम मुकद्दस मकाम है, चूंकि हमारे खलीफा राशिद, खलीफा सानी हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ने क्या नमाज अदा फरमाई चर्च के, कलीसा के विजिट के दौरान, और वो उनको दावत दी, वहां नमाज नहीं पढ़ी, नमाज वहां पढ़ी सलाउद्दीन अयूबी के दौर के अंदर, वहां उस मकाम पर उन्होंने मस्जिद तामीर फरमाई। उस मस्जिद का नाम मस्जिद उमर इब्न खत्ताब, वो तारीखी मस्जिद है। उस मस्जिद के अंदर अल्लाह ताला ने मुझे अजान देने की तौफीक अता फरमाई। और अजीब बात मैं बताऊं, उसके बाद ही फौरन वहां के मौजिन साहब, वहां के इंतजामिया, वहां की कमेटी वालों ने कहा कि आपने मस्जिद अक्सर के अंदर, मस्जिद क़िबली के अंदर अजान देनी फजर के वक्त। सुभानअल्लाह, बहरहाल वो इंशाल्लाह फिर अगले जुमे अर्ज करूंगा कि उसके बाद क्या हुआ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तबारक व तआला का एहसान है कि अल्लाह ताला ने मुझे इस सफर के दौरान वहाँ अजान देने की तौफीक अता फरमाई, और अगले सफर की इंशाल्लाह अल्लाह ताला तौफीक देगा, एक और खुशखबरी आपके सामने आ जाएगी। तो ये जो चर्च है, ये जो कलीसा है, इसके अंदर जो हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला ने एक जो एक एक जो मंजर पेश किया कि वहां नमाज अदा नहीं फरमाई, ये मुसलमानों के लिए, मुसलमानों के नजदीक बहुत बड़ा सबक है। और इसमें यूं समझे कि पुरअमन होने का मुंह बोलता सबूत है कि मुसलमान कुछ भी हो जाए। अब लोग कहते हैं कि जी आप तो नहीं है, आजकल के मुसलमान तो नहीं है। भाई हम आजकल के मुसलमानों की बात नहीं करते, हम तो सहाबा की बात करते हैं, हम तो इस्लाम की बात करते हैं, हम तो कुरान की बात करते हैं। देखना है तो कुरान देखो, देखना है तो हुजूर की हदीस देखो, देखना है तो हुजूर अलैहिस्सलाम को मॉडल देखो कि रोल मॉडल हुजूर अलैहिस्सलाम है, रोल मॉडल अबू बकर सिद्दीक है, रोल मॉडल अबू हजरत उमर फारूक है, रोल मॉडल हजरत उस्मान गनी है, रोल मॉडल हजरत अली है, रोल मॉडल हजरत अमीर माविया है। ये रोल मॉडल है, उन्होंने दुनिया के सामने ये दावत दी और ये बताया, मुसलमानों को यह बताया कि मुसलमान पुरअमन तरीके से मस्जिद अक्सा में, पुरअमन तरीके से फलस्तीन में, पुरअमन तरीके से बैतुल मुकद्दस में दाखिल होता है। और उसके बाद रोल मॉडल सलाउद्दीन अयूबी है, ये तारीख में इंशाल्लाह अगले जुमे अर्ज करूंगा आपके सामने कि उनका क्या मकाम था। हमें उनको देखना है, उनके मर्तबे को देखना है, उनके रोल मॉडल को देखना है, न कि आज के मुसलमान अगर कोई ज्यादती करते हैं, ना इंसानी करते हैं। हजरत उमर फारूक ने ये इस पूरी दुनिया को दावत दी कि गैर मुस्लिमों के वही हुकूक हैं, गैर मुस्लिमों के वही हुकूक हैं, गैर मुस्लिम अकलियत के वही हुकूक हैं जो मुसलमानों के हुकूक हैं। ये मुसलमानों को और कयामत तक के लिए मुसलमानों को ये दावत है और ये सबक दी है। अल्लाह ताला हमें मस्जिद अक्सा के वो मंजर को दिखाए, और जो बात जो बातें मैंने आप हजरात के सामने पेश की है, या आप हजरात के अपने जज्बात हैं, इस जज्बात को अल्लाह तबारक व तआला सलामत रखे। और जो शख्स आप हजरात में से
इस्तेदाद रखता हो वो मदीने जाए, मक्का जाए और इसी तरह बैतुल मुकद्दस जाए, हर मुमकिन कोशिश करें, इसमें सुस्ती और गफलत न करें, क्योंकि कयामत का मंजर वहाँ कायम है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको जाने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग वआखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।